हेलो गाइस, दिस इज मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर जिसका नाम है स्कल्पचर। तो ये आपके सेकंड टर्म के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम जो वीडियोस लेकर के आने वाले हैं वो आपके होंगे क्वेश्चन सीरीज और आपकी प्रैक्टिस सीरीज, और कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे गूगल फॉर्म पे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस अपलोड करेंगे लास्ट में, तो आप वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके फ्रेंड्स 12th क्लास में हैं तो उनको ये शेयर कर सकते हैं उनके पास अगर पेंटिंग है तो। सो यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कल्पचर। तो स्कल्पचर क्या होता है? स्कल्पचर आर द थ्री डायमेंशनल आर्ट from made of a stone, metal, wood, wax, clay or any other material used by the artist, a sculptor of present time to present their feelings or aesthetics. तो जो भी चीज़ें होती है जैसे कि वुड हो गया, स्टोन हो गया, मेटल हो गया, वैक्स, क्ले, तो इन चीज़ों से बन कर्व करके या फिर उनको इस टाइप से ढाल करके उसकी 3D फॉर्म बनानी होती है, उसे कहते हैं स्कल्पचर। और स्कल्पचर जो बनाता है उसे कहते हैं स्कल्पटर, और आर्टिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट सभी होते हैं, जो भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे अगर पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, और कोई डांस करता है या फिर कोई एक्टर है तो उसे भी आर्टिस्ट कहते हैं। ये सब आर्टिस्ट के कैटेगरी में आते हैं, तो आप इन्हें आर्टिस्ट भी कह सकते हैं और स्कल्पटर भी कह सकते हैं। तो आपके जो सिलेबस में रखे हुए हैं चार स्कल्पचर, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है ट्रिम्प ऑफ द लेवर, सेकेंड सेंथॉल फैमिली, गणेशा एंड क्राइसन हार्ट। तो ये जो स्कल्पचर्स हैं ये सभी को पढ़ने, चाहे वो आप प्रिंट मेकिंग वाले हों या आप स्कल्पचर वाले हों या फिर आप पेंटिंग वाले हों या हों कमर्शियल आर्ट वाले, तो ये सभी को पढ़ना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, आप सबके सिलेबस में ये रखा हुआ है। एंड टाइटल ऑफ द स्कल्पचर, जो फर्स्ट स्कल्पचर है वो है ट्रिम्प ऑफ द लेबर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिम्प ऑफ द लेबर जो स्कल्पचर है वो उसमें क्या है, ये आपको ध्यान में रख के जाना पड़ेगा क्योंकि इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इस स्कल्पचर का नाम क्या है और इसके स्कल्पटर का नाम क्या है, तो वो आपको पहचान करके बताना होगा। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सो इसका कॉम्पोजिशन पढ़ लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसका पीरियड जो है मॉडर्न है, मीडियम, ब्रॉन्ज एंड सीमेंट्स, इसमें कोई टेक्निक यूज नहीं की जाती है। ठीक है, कंपोजिशन की अगर बात करें तो दिस इज एन ओपन एयर लार्ज स्केल स्कल्पचर इन ब्रॉन्ज। तो ये बहुत बड़ा स्कल्पचर है जो कि बाहर ओपन एयर एरिया में रखा हुआ है। इट वॉज इंस्टॉल्ड एट मरीन बीच चेन्नई ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे इन 1959। तो ये मरीन बीच चेन्नई में इसे बनाया गया था, बट इट्स प्रोटोटाइप हैज बीन सेट अप एट द मेन गेट ऑफ द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो ये इसका कलेक्शन में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली भी है। ठीक है, कलेक्शन में जो है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है, तो वही ये कलेक्टेड है। ठीक है, इट शोज फोर मैन ट्राइंग टू मूव अ रॉक, रेंडरिंग द इम्पोर्टेंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन लेबर इन नेशन बिल्डिंग। सो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है लेबर का बिल्ड अपना नेशन बिल्ड करने में, वो सभी का कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे आर्टिस्ट का हम कंट्रीब्यूशन पढ़े थे पीछे, और लेबर का कंट्रीब्यूशन एंड द जितने पॉलिटिशियन है सबका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अनकॉन्करबल अनबीटेबल मैन आर रेसलिंग विद द नेचर डॉगली या हार्डली डिटरमाइनेंटली एंड पावरफुली। सो इसमें जैसे हमें देखने को मिलता है जो ये यहाँ पर लेबर के जो बंदे हैं, सो वो यहाँ पर रेसलिंग कर रहे हैं नेचर के साथ। वो ऐसा नहीं है कि जिम में जाकर के रेसलिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, उनकी जो मसल्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है इस स्कल्पचर में। इट इज़ एन इमेज ऑफ लेबर अगेंस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, अ वेल नोन रोमांटिक सब्जेक्ट ऑफ द 19th century। तो इसमें जो पिक्चर में या फिर जो स्कल्पचर है उसमें जो हमें दिखता है वो है एक नेचुरल एलिमेंट्स, और उसमें हमें लेबर के जितने भी मसल्स हैं, जितने जब वो काम करते हैं तो उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहता है वो यहाँ पर बनाया गया है, और ये रोमांटिक सब्जेक्ट रहा है 19th century का। ह्यूमन फिगर्स आर इंस्टॉल्ड इन अ वे दैट क्रिएट अ क्यूरियोसिटी इन अस एज व्यूअर। तो हमें जब ये इसको देखते हैं तो हमें क्यूरियोसिटी होती है कि भाई उधर की साइड से इसे देखते हैं कि कैसे इसके मसल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये जिम वालों से पूछो, अगर वो देखने जाएंगे तो भाई वो देखेंगे कैसे इन्होंने
पैक्स बना के, सिक्स पैक्स से भी ज़्यादा पैक्स इनके बने हुए हैं। इनकी आप बैक साइड में देखो और इनके जो बोन्स हैं वो सारे कुछ अभी इसमें अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इतना यहाँ पर चौधरी साहब ने ये बनाया, ठीक है। ह्यूमन फिगर्स आर इंस्टॉल इन अ वे एंड इट अट्रैक्ट द व्यूवर्स टू सी इट्स फॉर्म ऑल साइड्स। तो यहाँ पर चारों तरफ से देखने को ये अट्रैक्ट करता है। द इमेज ऑफ ग्रुप लेबर इज प्लेस्ड ऑन अ हाई पेडेस्टल बेस एंड thereby replacing the notion of portraits of king of British dignitaries। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं देवी प्रसाद रॉय चौधरी की, जिसने ये चौधरी साहब ने बनाया है, उनकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओके, सो ही बोर्न इन 1899 इन रंगपुर, नाउ इन बांग्लादेश। डी पी रॉय चौधरी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड मल्टी फेस्टेड आर्टिस्ट इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड एंड ही स्टार्टेड लर्निंग ड्राइंग फ्रॉम अवनिंद्र नाथ टैगोर एंड एज हिज डिसिपल ही स्टार्टेड पेंटिंग इन वाटर कलर बोथ इन टेम्परा एंड वॉश ऑन मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट। तो जैसे कि ये अवनिंद्र नाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इन्होंने पेंटिंग की है वाटर कलर में, जिसमें टेम्परा और वॉश यूज किया है, और मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट इनका रहा है पेंटिंग्स में। सम ऑफ हिज ग्रेट वर्क निर्वाणा इन ऑयल, ब्रिज इन पेस्टल, दुर्गा पूजा प्रोसेशन इन ऑयल। तो यहाँ पर हर इन्होंने मीडियम में कलर किए हैं, यहाँ पर ऑयल कलर इन्होंने यूज़ किया है, पेस्टल कलर इन्होंने यूज़ किया है, वाटर कलर इन्होंने यूज़ किया है, एंड वॉश एंड टेम्परा टेक्निक भी इन्होंने यूज़ की है। और अवॉर्डेड बाय पद्म भूषण बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेंथॉल फैमिली। सेंथॉल फैमिली मेड बाय राम किंकर वेज, पीरियड मॉडर्न, सीमेंट एंड कॉन्क्रीट से ये बना है। और इसका जो कलेक्शन है वो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। शांति निकेतन आपने एक बार और पढ़ चुके हैं, जो कि फर्स्ट आर्ट स्कूल है इंडिया का। एंड दिस इज एन ओपन एयर लार्ज स्केल स्कल्पचर क्रिएटेड बाय राम किंकर वेज इन 1937। तो यहाँ पर ये 1937 में बनाया है लार्ज स्केल पे, ये बहुत बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा ये बना हुआ है। इट इज मेड आउट ऑफ मेटल आर्मेचर एंड सीमेंट मिक्स विद द pebbles and placed in the compound of Kala Bhavan Shanti Niketan, India's first national art school। तो इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल है उसके ये प्रांगण में हमें देखने को मिलता है, जिसे कि कंक्रीट और जो कंक्रीट होती है और सीमेंट को यहाँ पर मिक्स करके बनाया गया है। एंड इट शोज द सीन ऑफ अ सेंथॉल मैन कैरिंग हिज चिल्ड्रन इन अ डबल बास्केट जॉइन बाय अ पोल एंड हिज वाइफ एंड डॉग वॉकिंग अलोंग साइड। तो इसमें पूरी एक फैमिली कूच करते हुए दिख रही है, मतलब एक जगह से दूसरी तरफ वो जाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। जब उस टाइम पे फेमाइन हुआ था, तो उस टाइम पे ये छोड़ छोड़ के जा रहे थे यहाँ से। जब बंटवारा हुआ था बंगाल का, तो कुछ लोग उधर से उधर जा रहे थे, उधर से उधर आ रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन उन्होंने देख करके ये बनाई है। Perhaps it's speak of the family migrant from one reign to another, carrying all their few frugal possessions। तो जितने भी उनकी जो यहाँ पर यूज़ की चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो चीज़ें यहाँ से लेकर के जा रहे हैं वो। जैसे कि पूरी फैमिली यहाँ पर दिख रही है, दो बच्चों को दो बास्केट्स में लेकर जा रहे हैं, जो कि एक पोल से कनेक्ट है, ठीक है। उसमें बच्चे बैठे हैं पीछे में, आगे में, और एक डॉग और उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ जा रही है। तो ऐसा यहाँ पर ये इसमें डिपिक्ट किया गया है। जो मिग्रेंट लोग थे उस टाइम के, वो चीज़ यहाँ पर पेंट नहीं की, मतलब स्कल्पटिंग की गई है उसकी, स्कल्पचर बनाया है उसका। एंड दिस मस्ट बी एन एवरीडे सीन फॉर द आर्टिस्ट लिविंग amidst of the rural landscape। तो जहाँ वो आर्टिस्ट रहते थे, मतलब कि जो उनका एरिया है बंगाल एरिया, तो वहाँ पर ये रोज का सीन हो गया था। कुछ लोग यहाँ से छोड़ के घर उधर जा रहे हैं, उधर से छोड़ के उधर आ रहे हैं। तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ से देख करके बनाई है। एंड ही गिव्स इज अ मोन्यूमेंटल स्टेटस। तो ये एक एज अ मोन्यूमेंट है, लोग इसे देखने के लिए जाते हैं, जो ये राम किंकर बेज का जो स्कल्पचर है ये। The sculpture is made in the round, which means that we can see it from all sides, and it is placed on a low pedestal, making us feel as if we are part of the same space। तो यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि हम लोग हैं, तो ये बहुत नीचे पेडेस्टल पे है, तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी इसी में शामिल हो गए हैं, अगर हम जब देखते हैं पास से इसे जा करके। तो The significance of this work is that
इट इज रिग्रेट एज द फर्स्ट पब्लिक मॉडर्निस्ट स्कल्पचर इन इंडिया. तो जो पहले जो ट्रेडिशनल चीज थी जो स्कल्पचर बनाने की, जैसे कि बहुत ज्यादा क्लीन होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ऐसा बना होना चाहिए, बट यहाँ पर कॉन्क्रीट यूज की गई है जो कि मॉडर्निज्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसमें. वी डू नॉट नीड टू गो टू द म्यूजियम टू सी इट एज इट इज अ प्लेस आउटसाइड कला भवन. सो ये कला भवन के बाहर ही बना हुआ है, जो कि बंगाल का जो शांति निकेतन है उसके बाहर ही बना हुआ है ये. तो ये इसे हमें देखने के लिए कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं होती, किसी म्यूजियम में जाने की जरूरत नहीं होती. तो आपसे ये लाइन आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है कि वी डू नॉट नीड टू गो टू द म्यूजियम टू सी इट एज इट इज अ प्लेस आउटसाइड ऑफ कला भवन. अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी जो स्कल्पचर है हमारा वो कला भवन के बाहर बना हुआ है, जिसे हमें देखने के लिए किसी म्यूजियम में जाने की जरूरत नहीं है. हम रोड पर अगर चल रहे हैं तो तभी हम इसे देख सकते हैं, ठीक है. And the artist has avoided traditional medium like marble, wood or stone and has preferred cements, the symbol of modernization. तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो इसमें जो traditional हमारा जैसे marble या wood या stone यहाँ पर use नहीं किया गया है, so यहाँ पर cement और concrete use करके ये बनाया गया है. तो अब राम किंकर बेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. So राम किंकर बेज was born in a poor family in Bankura district of West Bengal. The painting named Sita's Exile was made by him when he was only 15 years old and published in the magazine named Pravasi. So, जैसे प्रवासी मैगजीन हम लास्ट पढ़ चुके हैं बंगाल स्कूल में, तो उस टाइम ये जब 15 ईयर के थे तब इनकी पेंटिंग सीता, वो सीता's Exile, ये पब्लिश हुई थी प्रवासी में. The painting helped him to get a gold medal in the painting exhibition of Delhi. तो उस टाइम पे इनको गोल्ड मेडल दिलाने में उसने हेल्प किया इनको. फॉर हिज आइडल ही यूज्ड मीडियम ऑफ सैंड, कॉन्क्रीट, सीमेंट एंड सॉइल बिकॉज दे वर इजली अवेलेबल एवरीवेयर. तो ये चीज़ें मिल जाती हैं हर जगह पर, सैंड, कॉन्क्रीट, सीमेंट्स एंड सॉइल्स, तो ये वही चीज़ यूज करते थे. एंड ही डिड नॉट एक्सेप्ट डूइंग वर्क ओनली इन एनी पर्टिकुलर स्टाइल. तो उन्होंने कोई भी किसी एक स्टाइल में पेंटिंग नहीं, स्कल्पचर नहीं किए हैं, उन्होंने अलग अलग जो है स्टाइल यूज किए हैं अपने वर्क करने के लिए. Among his work as famous are Santhal Family, Sujata, Reaper, Girl and the Dog and Returning from the Market. तो ये स्कल्पचर इन्होंने बनाए हैं. अब अगर नेक्स्ट की बात करें गणेशा, गणेशा में आपको यहाँ पर जो बनाया है वो पीवी जानकी राम ने बनाया है. मॉडर्न पीरियड है एंड मीट ऑक्सीडाइज्ड कॉपर एंड टिन एंड वायर्स. तो यहाँ पर आपको मीडियम बिल्कुल अलग देखने को मिला है. यहाँ पर टेक्निक की बात नहीं हुई है किसी में भी. कलेक्शन है इसका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली. तो एक ही का जो कलेक्शन है वो हमें देखने को मिलता है शांति निकेतन निकटन से बाहर, ठीक है, या फिर कला भवन में. बाकी सब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलते हैं. कंपोजिशन की बात कर लेते हैं. इन दिस जानकी राम हैज यूज शीट ऑफ कॉपर टू क्रिएट पिक्टोरियल स्कल्पचर एज फ्री स्टैंडिंग फॉर्म. तो ये फ्री स्टैंडिंग फॉर्म में बनाने के लिए इन्होंने यूज किया इसमें शीट ऑफ कॉपर. ही हैज मेड ऑर्नामेंटेड देयर सरफेस विद द लाइन और एलिमेंट्स. तो इसे ऑर्नामेंटेड बनाया है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट हमें देखने को मिलते हैं. तो ये लाइनर है जो कि हमें यहाँ पर बनाए हुए देखने को मिलते हैं वायर से, जो कि काफी मोटा वायर यहाँ पर सब वो अलग अलग दर्शाता है. These liner elements work as a facial features and decorative motifs to suggest religious icons. तो यहाँ पर जैसे हम इस sculpture में देख रहे हैं जो liner चीज़ें use हुई हैं, जैसे wire use हुए हैं, तो इसमें क्या हुआ है, इन्होंने इसके facial expressions या फिर जैसे eyes अलग से दिखाई गई हैं, nose and जो उनका यहाँ पर गणेशा का जो क्या कहते हैं उसको यार, The image of Ganesha crafted frontally lends an important indigenous character of the cave and temple sculpture. तो ये जो हमारे जो पुराने traditional caves में और temples में देखने को मिलते हैं उस type का ये यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है as a crafted, ठीक है. And in this sculpture Ganesha is playing Veena, a musical instrument, and Ganesha reveals his understanding of traditional imagery. तो यहाँ देखने को मिलता है हमें traditional चीज़ें भी इसमें. And he has elaborated liner details into the overall form.
इसमें लाइनर डिटेल हमें क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर वायर का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। एंड द स्कल्पचर इज कंसीव्ड इन टर्म ऑफ लाइनर स्लॉट्स एंड इंस्टीड ऑफ एम्फेसिस ऑफ थ्री डायमेंशनल डेस्पाइट इट्स वॉल्यूम। सो यहाँ पर हम ये चीजें इसमें देख सकते हैं, बट ये लाइन्स आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगे, क्योंकि ये लाइन सीधी उठा के आपको पूछी जा सकती हैं कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा इस टाइप की लाइन्स, क्योंकि ये लाइन्स आपके एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएंगी। रिदम एंड ग्रोथ आर इनकॉर्पोरेट थ्रू लिरिकल स्टाइलाइजेशन। तो यहाँ पर लिरिकल जैसे होता है कि जिसमें रिदम होता है, उस टाइप की यहाँ पर हमें लाइनर डिटेल देखने को मिलती है। एंड इट इज ऑल्सो एन अमगलेमेशन ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। तो ये यहाँ पर मिक्सचर है फोक और ट्रेडिशन क्राफ्टमैनशिप का। एंड यहाँ देख लेते हैं जानकी राम के बारे में, थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। आर्टिस्ट जानकी राम, बर्थ 1930। पी वी जानकी राम वॉज बॉर्न इन मद्रास चेन्नई इन 1938। ही गोट डिग्री इन फाइन आर्ट स्कल्पचर एंड वोकेशनल आर्ट फ्रॉम कॉलेज मद्रास। So this is very important line, which is he has used sheet of copper to create pictorial sculpture as freestanding forms and ornamented their surface with the liner elements. And he also experimented with the open-endedness quality of indigenous workmanship or craftsmanship. Okay, the main especially of them is the idol are standing facing towards one another and they have been ornamented with the copper, thin wires of a copper. Among his leading idol are Krishna, Garuda, Ganesha and Christ. Other creation are Madonna and child and flute player etc. So jitne bhi inke sculpture rahe hain ye sare hame religious se related dekhne ko milte hain, jaise Krishna, Garuda, Ganesh and Christ. So ye sab इन्होंने बनाए हैं, इनके ये क्रिएशन है। ओके, एंड नेक्स्ट आता है आपका क्राइसनहार्ट। क्राइसनहार्ट जो आपका स्कल्पचर है, अमरनाथ सैगल ने उसको बनाया है। पीरियड मॉडर्न मीडियम ब्रॉन्ज, सरका 1958, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। क्राइसनहार्ट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैमिली एंग्विस एंड सोरो। सो यहाँ पर हमें इनकी सैडनेस और जो पेन है इनका, वो यहाँ पर देखने को मिलता है क्राइसनहार्ट स्कल्पचर में। ऑल्दो द आर्टिस्ट ओनली यूज अब्स्ट्रक्शंस, जबकि आर्टिस्ट ने इसमें जो है अब्स्ट्रैक्ट फिगर्स बनाए हैं, ना कि रियलिस्टिक फिगर्स बनाए हैं। एंड इन विच थ्री फिगर्स आर स्टिक लाइक एंड शोन इन फ्लैट रिदमिक प्लेन्स। सो यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है वो स्टिक जैसे ही हैं, उनमें कोई ऐसे पूरा रियलिस्टिक बेस। इट इज ईजली टू अंडरस्टैंड देम एज अ फैमिली, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड। दे आर शोन फ्लाइंगिंग देयर आर्म्स अबव एंड क्राइंग आउट फॉर हेल्प इन वेन। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं कि वो कैसे चिल्ला रहे हैं, ठीक है। थ्रू द मीडियम ऑफ स्कल्पचर देयर हेल्पलेसनेस expressed by the hand gesture is turned into a permanent shape. तो यहाँ पर जो स्कल्पचर है उससे ये helplessness इनकी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि permanent। It is possible for us to read this work as socialist, whereby the artist pays homage to millions of destitute families in need of help whose cries fall on deaf ears. तो यहाँ बहुत मिलियंस ऑफ फैमिली के बारे में यहाँ पर इन्होंने पेन किया। उस टाइम की बात हो रही है जब 1948 और उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब फेमाइन हो रहा था और मिग्रेंट हो रहा था, मतलब फैमिलीज का इधर से उधर। तो उस टाइम पे जो ये कॉमन एक प्रॉब्लम थी, जो कि सारे पेंटर्स ने, सारे स्कल्पटर ने ये पेंट की है और बनाई है। नन अदर देन सोशल पोएट मुल्क राज आनंद रोट movingly above this work, which now is in the collection of National Gallery of Modern Art, New Delhi. तो मुल्क राज आनंद ने भी इस स्कल्पचर के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखा है, कह सकते हैं। आर्टिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, अमरनाथ सहगल के बारे में। अमरनाथ सहगल वॉज बोर्न एट कैंपबेलपुर डिस्ट्रिक्ट अटॉक नाउ इन पाकिस्तान। Although the artist only used abstraction
in which three figures are elastic like and shown in flat rhythmic plans, yet it is easy to understand them as a family, husband, wife and child. तो ये जो आपका जो लाइन है, जो पॉइंट है, कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑल दो द आर्टिस्ट ओनली यूज अबस्ट्रक्शन यूज किया है, और जिसमें थ्री जो फिगर्स बनाए गए हैं, जिसमें कि स्टिक्स लाइक उनकी लेग्स हैं, स्टिक्स जैसे ही उनके हाथ भी ऐसे हैं, और वो हमें फैमिली जैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उसमें एक बंदा, एक बंदी और एक उसका बच्चा यहाँ पर दिख रहा है, तो एज अ फैमिली हम उसे कह सकते हैं. आफ्टर द इंडो पाक पार्टीशन ही केम टू इंडिया इन 1950 AD. ही स्टार्टेड टीचिंग इन मॉडर्न स्कूल दिल्ली. ही इज नोन एज अ फिलोसोफर, पोएट, स्कल्प्टर एंड आर्टिस्ट. तो ये मल्टी टैलेंटेड एक पर्सनैलिटी कही जा सकती है. हिज अनदर क्रिएशन आर एंग्वेज्ड क्राइस, जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है, एंड फ्लोटिंग क्राइस पोएम एंड एबिस ऑफ लाइफ. तो ये इनके अनदर नोटेबल वर्क हैं जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है. तो ये थे आपके सारे स्कल्पचर जो आपके सिलेबस में रखे हुए हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें, और आपको पेंटिंग्स वगैरह देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हसन आर्ट स्टूडियो पे. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.